पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद का नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार का पैसा नहीं चुकाने पर उनकी किसी शख्स के साथ बहस हो रही है। वीडियो को देखने से पता चलता है कि नूर रहमान नाम का शख्स शेख राशिद अहमद से पैसे मांग रहा है। वहीं इधर राशिद के इस वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुटकी ली है। संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, ये है पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद, जिनको कुछ दिन पहले करंट लगा था, उन्होंने अपनी कार का पैसा नहीं चुकाया। जिससे पैसे लिए थे वो पाकिस्तान के संसद में आकर मंत्री जी को घेर लेता है। और ये चले थे पाव, सवा पाव के न्यूक्लियर बारगेनिंग। बता दें कि कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर युद्ध की धमकी दे रहा है, वहीं पाकिस्तान सरकार के मंत्री भी गीदड़ भक्की देने से बाज नहीं आ रहे। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।